सांप, ये नाम सुनने में ही इतना डरावना लगता है कि जिसे सुनकर ही हर किसी का शरीर डर के मारे कांपने लगता है। और अगर गलती से कोई खतरनाक सांप हमारे सामने आ जाता है तो डर से हमारी पेंट गीली हो जाती है। सांप एक लोते से जीव हैं जो पुराने समय से ही हर तरह के जीवों को डराते आ रहे हैं, फिर चाहे वो डायनासोर के समय का टाइटेनोबोआ सांप हो या फिर आज के समय का एनाकोंडा स्नेक। सांप हमेशा से ही चर्चा का विषय बने रहे हैं। दुनिया भर में बहुत तरह के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ साधारण होते हैं तो कुछ बहुत ही ज्यादा जहरीले। तो चलिए आज हम दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों की बात करने जा रहे हैं, जिनका काटा पानी भी नहीं मांगता। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बेल्चर सी स्नेक। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले बेल्चर सी स्नेक का। बेल्चर सी स्नेक को दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है और कहा जाता है कि इस सांप के जहर की महज कुछ मिलीग्राम बूंदे ही 1000 इंसानों को मौत के घाट उतार सकती है। हालांकि जमीन में रहने वाले इंसानों को इस स्नेक से कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि ये स्नेक समुद्र में ही पाया जाता है। लेकिन कभी कभी समुद्र में मछलियां पकड़ने गए मछुआरे बेल्चर सी स्नेक का शिकार हो जाते हैं। ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा स्नेक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, एंड इस स्नेक पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्लैक मांबा स्नेक अफ्रीका में पाया जाने वाला सबसे लंबा, तेज और जहरीला सांप होता है। ब्लैक मांबा की लंबाई लगभग 14 फीट होती है और यह 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लैक मांबा जरूरत पड़ने पर अपना कलर भी चेंज कर लेता है। ये इतना अग्रेसिव होता है कि ये कुछ ही सेकेंड में अपने शिकार को लगातार कई बार काट सकता है। ब्लैक मांबा के काटने के 15 मिनट से 3 घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। किंग कोबरा। अपने नाम की तरह ही ये कोबरा प्रजाति के सांपों का राजा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे देशों में पाए जाने वाले किंग कोबरा दुनिया के सबसे लंबे और खतरनाक सांप होते हैं। इसके अलावा किंग कोबरा की लंबाई 3 फीट तक होती है और इनका वेट 6 केजी के आसपास होता है। किंग कोबरा का जहर इतना जहरीला होता है कि जिससे एक हाथी भी आसानी से मर सकता है। लेकिन किंग कोबरा अक्सर दूसरे सांपों को ही अपना शिकार बनाते हैं, पर अगर ये किसी के घर में घुस जाए तो ये उस घर के पेट एनिमल्स का भी शिकार कर लेते हैं। वैसे तो किंग कोबरा काफी शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर कोई इन्हें जानबूझकर छेड़ता है तो उसकी खैर नहीं होती। इसीलिए अगर आपको कहीं किंग कोबरा दिखाई दे तो उससे दूर रहने में ही आपकी भलाई होगी। इसके अलावा किंग कोबरा जब एग्रेसिव हो जाते हैं तो इन्हें रेस्क्यू करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। रसल्स बाइपर्स स्नेक। रसल्स बाइपर्स को एशिया के सबसे खूंखार सांपों में से एक माना जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावने भी होते हैं। मुख्य रूप से भारत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाने वाले रसल्स बाइपर्स आमतौर पर घास के मैदानों में ही अपना शिकार करते हैं। रसल्स बाइपर्स घास के मैदानों में इसीलिए शिकार करते हैं क्योंकि यहाँ इन्हें रेप्टाइल्स और एर्थ्रोपोड्स जैसे शिकारी भारी मात्रा में मिलते हैं। ये सांप इतना खतरनाक होता है कि ये अपने इलाके में मौजूद किसी भी जीव को काटने से नहीं चूकता, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई और जानवर। और इंसानों के लिए तो ये सांप और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हर साल लगभग हजारों लोगों की जान इस सांप की वजह से चली जाती है। एक इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए केवल 40 से 70 मिलीग्राम जहर काफी होता है, जबकि ये सांप अपनी एक ही बाइट में इंसान की बॉडी में इससे 2 गुना जहर इंजेक्ट कर सकता है। इस सांप के काटे हुए इंसान को बहुत ही भयानक दर्द के साथ साथ ब्लीडिंग का भी एहसास होता है। इसके अलावा इनके जहर को किडनी को डिस्ट्रॉय करने और पूरी बॉडी में ब्लीडिंग पैदा करने के लिए भी जाना जाता है, और शायद यही वजह है कि इस सांप को इंडिया का सबसे घातक सांप कहा जाता है। ग्रीन मांबा स्नेक। दिखने में काफी खूबसूरत ग्रीन मांबा असल में काफी खूंखार और जहरीला होता है। ग्रीन मांबा ज्यादातर साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के तटों और ज्यादा बारिश वाली जगहों पर पाए जाते हैं। ये सांप इतना जहरीला होता है कि इसका काटा शिकार पानी भी नहीं मांगता। ये सांप ब्लैक मांबा से काफी मिलता जुलता होता है, लेकिन इनका कलर ग्रीन होता है, जो कि इन्हें काफी खूबसूरत बना देता है। वैसे आप इसकी खूबसूरती देखकर इसे छूने की गलती मत कर देना, वरना आपको पछतावे के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। जैसा कि ये सांप ग्रीन कलर के होते हैं तो ये पत्तों में छुपकर आसानी से शिकार कर लेते हैं। खतरा महसूस होने पर ये सांप काफी तेजी से दौड़ता है, जिसकी वजह से इसे काफी तेज स्नेक भी माना जाता है। ग्रीन मांबा की लंबाई लगभग 6 से 8 फीट और वजन लगभग 1 केजी से लेकर 1.5 केजी तक होता है। वैसे तो ये सांप काफी शर्मीला होता है, लेकिन इससे छेड़खानी करने पर ये भड़क जाता है। ये सांप कितना खतरनाक होता है इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं।
कि इसका कुछ मिलीग्राम जहर ही एक विशालकाय हाथी को मौत के आगोश में ले जा सकता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ अनोखा जानने सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो पर एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी फंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।